नाम क्या भैया आपका? भाई मेरा नाम मोहम्मद रिजवान है। अच्छा, मेरा नाम मोहम्मद रिजवान है। वैक्सीनेशन का क्या मैटर है? वैक्सीनेशन का भाई मैटर ये है कि 15 जनवरी 5:00 इसमें जो आया है 34 मिनट पे मैसेज आया है कि दूसरी डोज लग गई है। तो हम ये आपको बताना चाह रहे हैं कि जो आदमी दुनिया में नहीं है तो उसके वैक्सीनेशन कैसे लग गई दूसरी डोज। पहली डोज जो है उसके हमारे छोटे भाई के, जिसका नाम मोहम्मद आसिफ है, 17 सितंबर को 2021 में लगी है। उसके बीच में जो है 8 दिसंबर 2021 में उसकी डेथ हो गई, जिसका हमने नगर निगम से सर्टिफिकेट भी हमारे पास है उसका। और कल जो है 15 जनवरी में एक दूसरी डोज लग जाती है। तो जो आदमी दुनिया में नहीं है भाई उसको कैसे लग गई है, हमें ज़रा सा बहुत ही अफसोस है हमारे छोटे भाई का, इस तरह से हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं। और ये आपके मोबाइल पे सर्टिफिकेट वगैरह जी मैं उसका बड़ा भाई हूँ, और वो रजिस्ट्रेशन जो मेरे मोबाइल से ही उसका मैंने किया था डोज लगाने के लिए, इसलिए कि राशन में थोड़ी प्रॉब्लम हमें आती है लेने में, और सरकारी चीज़ों में भी कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए वो भारत सरकार की योजना भी है कि सबके लगनी चाहिए, तो इस वजह से हमने उसको पहली डोज लगवा दी थी। दूसरी में उसके लगने से पहले उसकी डेथ हो गई, और ये फर्जी जो है दूसरी लग गई। अब ये बस हम आपसे ये पूरी जानकारी देना चाहते हैं। मेरे भाई जो है ये अली नगर में एक बड़े भाई के यहाँ रहते थे, जो बड़े भाई का घर है। मेरा खुद का जो घर है वो पटवारी के नगले में, तो दोनों जगह कभी इधर रह लिए कभी उधर रहते थे, दोनों जगह रहते थे। पहली डोज जो उन्होंने पटवारी के नगले में लगवाई है, और तो कुछ दिन के लिए जो वो बड़े भाई के यहाँ रह गए, तो उनकी तबीयत ख़राब होने की वजह से 2-3 दिन तबीयत ख़राब रही उनकी, और उससे उनकी डेथ हो गई 8 दिसंबर 2021 में। क्या करते हैं? मैं ये दुकान चलाता हूँ स्टेशनरी। देखिए वैक्सीन का पूरी तरह से एक घोटाला चल रहा है, ये उसी का जीता जागता एक स्वरूप है। एक मोहम्मद आसिफ नामक एक व्यक्ति को जो 30 साल उम्र, जिनकी डेथ हो गई दिसंबर में, उनको जनवरी के 15 जनवरी में दूसरा डोज लगा दिया गया। ये प्रमाण पत्र, ये कागजात ये बता रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं पूर्णता तौर पर ये सरकार आंकड़े पूरा कर रही है और अपनी वाहवाही में मस्त है, और स्वास्थ्य विभाग घोटालों में मस्त है। कहीं ना कहीं सरकार के नाक के नीचे ये पूरा का पूरा स्वास्थ्य विभाग घोटाला कर रहा है। क्यों, मैं पूछना चाहता हूं, मरे हुए आदमी को मोदी सरकार और योगी सरकार में ही मुमकिन है कि उसको जाकर टीकाकरण कराया जा सके? ये दूसरा डोज मरे हुए व्यक्ति को लगाए जाने का मामला ये मामूली नहीं है, ये पूरा एक वैक्सीन घोटाला है जिसमें CBI जांच तक होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा तो तमाम जगह हो रहा होगा। मरा हुए व्यक्ति को ये कैसे लगा दिया गया ये बताना पड़ेगा सरकार को और प्रशासन को। प्रशासन चुप्पी साधे बैठा है, कोई बोलने को तैयार नहीं है, CMO फोन नहीं उठा रहा है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या ऐसा वैक्सीन घोटाला, ये सब क्या हो रहा है देश के अंदर, ये आंकड़ों की बाजीगरी कब तक खेली जाएगी? तो कंप्लेंट इसमें हो सकी है कोई? कंप्लेन अभी हम DM महोदया को, मैं खुद भी व्यक्तिगत तौर पर एक पत्र लिखूंगा इसके अंदर। ये कंप्लेंट मीडिया में भी आ चुका है, आज अखबारों में भी छपा है। मामला ये बड़ा संगीन है, इसको कहीं ना कहीं ये पूरा जो है इसके अंदर एक जांच होनी चाहिए, हाई कोर्ट के सिटिंग जज के अधीन होनी चाहिए कि ये वैक्सीन घोटाला है और ये देश का मामला है, ऐसे अब बर्दाश्त नहीं कर सकता देश। क्या मानते हैं जीवित को जो है वो मुआवजा दिया जा रहा है कोरोना के नाम पे, और इस तरह से जो मरे हुओं को वैक्सीन लगाई जा रही है? ये परलोक सुधार चुके हुए व्यक्ति को ले जाकर वैक्सीन लगा दिया जाता है, कब्रिस्तान की पर्ची, मृत्यु प्रमाण पत्र, मर चुका है व्यक्ति, आप उसके पास ले जाकर उसको वैक्सीन सेकंड डोज लगा देते हो। ये कहीं ना कहीं सरकार का, ये कहीं नहीं सरकार के नाक के नीचे ये खुला खुली लूट चल रही है, जनता के पैसे की खुली लूट और बंदर बाट का यह दृश्य है। नाम क्या? नाम मेरा इंजीनियर आगाइनुस है, कांग्रेस नेता अलीगढ़।